हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे एमएस वर्ड में रिज्यूम को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अपने एमएस वर्ड में चलते हैं और देखते हैं कैसे रिज्यूम बनाया जाता है। उसके लिए हम डबल क्लिक करके एमएस वर्ड की फाइल को खोलेंगे, खोल लेते हैं। और खोलने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे ऊपर वाले बार पे जाए तो हम लोग पहले बॉर्डर को बना लेते हैं जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो होम, इंसर्ट और जाएंगे पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे जाने के बाद हम लोग पेज बॉर्डर पे जाएंगे। पेज बॉर्डर पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे बॉक्स पे। बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग ओके कर देंगे। आप लोग जो भी बॉर्डर यहाँ से चुनना हो तो आप लोग बॉर्डर चुन सकते हैं, या तो जो सिंपल है उसी को रहने देते हैं। ज़्यादा डिजाइनिंग बार रिज्यूम में बेटर नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको ही चुन रहने देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। और देखिए एक बॉर्डर बन के आ गया। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिज्यूम बना रहे हैं, इसलिए हम लोग सबसे हेडिंग पर रिज्यूम होगी। कैप्स लॉक दबा के हम लोग रिज्यूम लिख कैप्स लॉक दबाएंगे और रिज्यूम लिखेंगे। RES रिज्यूम हो गया। फिर हम लोग इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, बड़ा करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से। और सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे, कंट्रोल के साथ एरो दबाएंगे हम लोग तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं और फिर मिडिल वाले पे हो जाएंगे, क्लिक करते हैं कंट्रोल ई के साथ तो मिडिल में हो जाएगा। और इसको भी बोल्ड कर लेंगे, कंट्रोल बी दबाएंगे और सेलेक्ट ही रहने देंगे और कंट्रोल बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे कहीं भी साइड पर क्लिक करते हैं, फिर इंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और फिर थोड़ा सा बैक करेंगे चला जाएगा शुरू में। और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नेम, और जो फॉन्ट का साइज है उसको हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा, 20 है तो हम लोग 16 कर लेते हैं। और लिखते हैं नेम, नेम नेम जो भी हो, जैसे राहुल है राजू ही रहने देते हैं। इंटर करते हैं और डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ हो गया इसका मतलब। फिर लोग क्लिक करेंगे जो भी हो, जैसे 10/2/2000 है। फिर इंटर करेंगे, अपना विलेज डालेंगे, विलेज हो गया। फिर लोग जो भी आप लोग का विलेज हो विलेज इंटर कर लीजिए, फिर इंटर प्रेस करिए। फिर पोस्ट लिखिएगा, पोस्ट हो गया। फिर जो भी आप लोग का पोस्ट हो पोस्ट इंटर कर लीजिए, हम XX इंटर करते हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे, फिर XX डाल लेंगे। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर लिख लेते हैं पूरा, मोबाइल नंबर हो गया। मोबाइल नंबर में जो भी आप लोग का मोबाइल हो मोबाइल नंबर हो, मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिए, इंटर कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग ईमेल डालेंगे, ईमेल लिख लेंगे जो भी मेल हो। ईमेल एक्चुअली स्मॉल लेटर में रहता है, इसलिए कैप्स लॉक को दबा के इसको स्मॉल में लिख लेंगे, @gmail.com कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में कुछ लिखें अपने बारे में जो भी हो थोड़ा सा उसको लिख लेंगे।
और इसकी साइज को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे। बड़ा करने के लिए फिर थोड़ा दबाएंगे, फिर इंटरफेस करेंगे, फिर लिखेंगे टू। इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। साइज 20 कर देते हैं, नहीं तो 18 कर देते हैं, और इंटरप्रेस करेंगे, लिखेंगे टू। लिवरेज MI टैलेंट एंड स्किल टू स्टैंड पॉसिबल फॉर द डिफेंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एलोंग द ऑर्गेनाइजेशन so that can error ability and professional interest to इंटर करेंगे। और हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हेडिंग बनाएंगे। क्वालिफिकेशन इसको भी थोड़ा सा साइज को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। साइज बोल्ड कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। और इसके बाद हम लोग कुछ टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम लोग 5 कॉलम ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे, क्वालिफिकेशन हो गया, फिर टैब ब्रेक बोर्ड लिखेंगे, UA बोर्ड हो गया, फिर टैप करेंगे ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, पासिंग हो गया ईयर ऑफ पासिंग, फिर परसेंटेज लिखेंगे, फिर टैप प्रेस करेंगे। तो इसको हम लोग पहले सेट कर लेते हैं, ऊपर बार जो है यहाँ पे करेंगे, थोड़ा साइज बढ़ाएंगे, इस तरह साइज हम लोग
कॉलम का मैनेज कर लेंगे। देखिए हो गया मैंने, तो आप फर्स्ट नंबर डालेंगे, फिर टेंथ हैं आप लोग, टेंथ लिखेंगे, टाइप प्रेस करेंगे, नेक्स्ट वर्ड जाएंगे। जिस भी बोर्ड से आप लोग हैं तो ईपी बोर्ड आप लिख लीजिएगा, जो भी आप लोग का बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, जिस सन में आप पास किए हैं पासिंग ईयर डाल दीजिए, फिर टाइप प्रेस करिए, कितना परसेंटेज आप बनाए हैं, परसेंटेज को कर दीजिए, फिर नेक्स्ट कॉलम में जाइए, सेकेंड में आप दूसरी का आपका दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, फिर टाइप प्रेस करेंगे, मान लीजिए आपका 12th है, 12th है, टाइप प्रेस करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, जो भी आपका बोर्ड हो, बोर्ड आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा बोर्ड है, आप उस बोर्ड को यहाँ पे डाल लीजिएगा, टाइप प्रेस कर लीजिएगा, ये पास सेलेक्ट करिए, पासिंग है, जितना परसेंटेज है उस परसेंटेज को डालिए, इस हो गया। परसेंटेज को डालने के बाद आप लोग नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ और हम लोग डाल लेते हैं, जैसे पर्सनल डिटेल्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लोग को अगर कुछ टेक्निकल ज्ञान हो, जैसे ट्रिपल सी हो या और कुछ जानते हो, तो आप लोग इसी तरह यहाँ पे टेक्निकल ज्ञान लिख के आप लोग यहाँ पे सर्च लिख लीजिएगा उसको। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाने के लिए पेज लेआउट पे ही जाएंगे, पेज लेआउट, इंसर्ट पे जाएंगे और ब्रेक पेज करेंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद ब्रेक पेज और पेज खुल के आ जाएगा। तो इसको हम लोग उठा के फर्स्ट वाले पेज पे करते हैं। कितना पेज खुल, कई पेज खुल गया है क्या, 3 पेज लग रहा है आ गया है। हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे और यहाँ पे पर्सनल डिटेल लिखेंगे, साइज को पर्सनल डिटेल लिखेंगे, पर्सनल डिटेल्स हो गया, इसको सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसका हाइट इसको बढ़ा देंगे। फिर इंसर्ट होम पे जाएंगे, बोल्ड कर देंगे, बढ़ाने के बाद हम लोग इंटर करेंगे और फिर लिखेंगे फादर ने, साइज को बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे, इंटर करेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, लिंक को स्पेस करते हुए जाएंगे हम लोग। यहाँ पे जो भी आपका फादर्स नेम हो इंटर कर लीजिएगा, फिर मदर नेम, मदर्स नेम, मदर्स नेम में भी इसी तरह कर लीजिए। फिर नेशनैलिटी डालिए, नेशनैलिटी हो जाएगा, इसको लिखेंगे, स्पेस करते हुए जाएंगे, सब सीधे लिखिएगा, इधर उधर मत लिखिएगा इसको, और इंडियन लिख इंटर करिए, फिर से अपना जो भी सेक्स है उसको लिख लीजिए, स्पेस दबाते हुए जाएंगे। और फिर यहाँ पे जो भी मेल है, मेल या फीमेल जो भी है अपना, उसको लिख लीजिएगा,
फिर मैरिटल स्टेटस लिख लीजिए, मैरिज है मैरिज लिख लीजिए, अनमैरिड है अनमैरिड लिख लीजिए, अनमैरिड है इसको तो कर लीजिए। फिर लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं, लैंग्वेज लैंग्वेज वहाँ पे लिख लीजिए। जो भी लैंग्वेज जानते हो आप लैंग्वेज को लिख लिए। लैंग्वेज हो गया हम लोग का हिंदी और इंग्लिश। डिक्लेरेशन में फिर हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे, डिक्लेरेशन में इंटर करेंगे और डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन में लिखेंगे। इसके साइज को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और बोल्ड भी कर लेंगे। इसके बाद इंटर में करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आई दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय नेम इन द रिज्यूम एंड क्रेक टू द बेस्ट ऑफ एंड बिलीफ। इंटरफेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे, डेट लिख लेंगे, और फिर प्लेस लिख लेंगे, और इस तरह से हमारा रिज्यूम बन के तैयार हो जाएगा। दोनों पेजों को इसके बाद हम लोग लास्ट में लोग चाहते होते हैं तो यहाँ पे अपना एक फ़ोटो लगा सकते हैं। तो फोटो लगाने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे हम लोग। इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर क्लिक करेंगे। आप लोग जहाँ भी फ़ोटो रखे होंगे उस फोटो को सर्च कर लीजिए। ऐसे हम लोग पिक्चर में एक पिक्चर इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। और यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट है, इसको हम क्लिक करेंगे और उठा के ले जाके हम लोग इसको जिस भी पेज पे करना चाहते हैं उस पेज पे हम लोग उसको रख देंगे। राइट क्लिक करते हुए लेफ्ट क्लिक बटन को देखिए कितनी आसानी से जाता है, बीच जो आइकन बन जाए उसके बाद ले जाइएगा और इसको ऊपर से तीर जब बन जाए तो इसको नीचे की तरफ खींचेगा, छोटा हो जाएगा और अपने मन मुताबिक इसको ले जाके सेट कर दीजिए। और इसको पीडीएफ बनाने के लिए यहाँ पे आइकन पे जाएंगे हम लोग, सेव एज करेंगे, सेव एज, यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाएंगे। अब जिस तरफ डेस्कटॉप पे हम लोग इसको रखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और इसको पब्लिश पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से बन जाएगा। क्लोज प्रोग्राम बोल रहा है इसलिए इस तरह ही बन जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।